Good morning, students. Standard 9, subject social science. Lesson number 2, remaining part. The First World War. In the First World War, 24 nations support the Allied nations and the 4 nations support in the Axis nations. The First World War mein 24 nations jo the, wo Allied nation ke support mein the, and the 4 नेशन थे वो एक्सिस नेशन के सपोर्ट में थे. इनिशियली जर्मनी मेड नॉट वॉट विक्ट्री इन द यूरोप. पहले से ही जर्मनी यूरोप के पक्ष में मतलब सपोर्ट में था. इन रूइन इन द फ्रांस आर्मी उसमें क्या हो गई, नस खत्म हो गई. इट फाउट मैनी सबमरीन्स वॉर्स वैंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स एंड द एलेड नेशंस. और उसकी वजह से एलेड नेशंस के जो शिप थे तो वो ये लड़ाई में क्या हो गए, पानी में डूब गए. Many soldiers and the civilians died because of the tanks and the poisonous gas. टैंक में से पॉइजनस गैस लीकेज होने की वजह से बहुत सब सोल्जर्स एंड द सिविलियंस मतलब जो नागरिक हैं वो कि उनकी क्या हो गई, डेट हो गई. इन 1917 द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट. और 1917 में रशियन रेवोल्यूशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया. सो रशिया विड्रॉल फ्रॉम द वॉर. तो रशिया वॉर में से क्या हो गया, विड्रॉल हो गया. जर्मनी वॉज अ वेरी स्ट्रांग एट दिस टाइम. उस टाइम पे जर्मनी कैसी हो गई थी, एकदम स्ट्रांग हो गई थी. इट मैनेज टू ड्रॉ वन एंड अमेरिका स्ट्रीमर्स लुस्टिनिया इन द विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डेड्स. और उसमें अमेरिकन स्टीमर लुस्टिनिया ने उनको डुबा दिया गया और उसमें 147 अमेरिकन सोल्जर्स की क्या हो गई, डेड हो गई. अमेरिका जॉइंस इन द एलेड नेशंस फॉर द वॉर इन अप्रैल 1907. उसमें अमेरिका ये वॉर में एलेड नेशन में जॉइंट हो गई. कब जॉइंट हुई, अप्रैल 1917 में. विद डेट कंट्रीज लाइक पनामा ग्रीस क्यूबा चाइना एंड सिम जॉइंस इन द एलेड नेशन. और उसके साथ अलग अलग जो कंट्रीज थी, पनामा चाइना क्यूबा ग्रीस, वो सब भी एलेड नेशन में जॉइंट हो गई. डेज द एलेड नेशंस बिकम स्ट्रॉन्गर. और उसकी वजह से एलेड नेशंस से वो क्या हो गया, स्ट्रांग बन गया. जर्मन आर्मी कुड नॉट विद स्टैंड इन द अमेरिकन ट्रूप्स. जर्मन जो सेना है वो अमेरिकन ट्रूप्स के सामने तक मतलब टिक नहीं पाई. द होल पोजिशंस ऑफ द वर्ल्ड चेंज. पूरे वर्ल्ड की जो वॉर की लड़ाई की जो पोजिशन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई. बुल्गारिया इन द सेप्टेम्बर 1918. तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया इन अक्टूबर 1918 जॉइन द एलेड नेशंस. बुल्गारिया सितंबर 1918 में, तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर 1918 में और एलेड नेशन में क्या हो गए, जॉइंट हो गए. द जर्मन लीडर कैजर एबडिक्टेड हिज पोजीशन द रन अवे. जो जर्मन का जो लीडर था कैजर, वो अपनी सत्ता को छोड़ के भाग गया. जर्मन इज सराउंडेड द एलेड नेशंस एंड द साइन द कैस फायर स्ट्रेटी एट द वॉर्स कम टू एंड. और जर्मन 11th नवंबर 1918 को एलेड नेशंस के पास जाके युद्ध के मतलब स्टॉप, ये वॉर है उसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने साइन दे दी और ये युद्ध का क्या हो गया, अंत आ गया. इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कौन कौन सी इफेक्ट हुई थी. फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैन एंड मटेरियल. मतलब कि बहुत सब क्या होती, जान हानि हुई थी. अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल्स टुक पार्ट इन द वर्ल्ड वॉर. एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड. अबाउट द 2 करोड़ वॉर इंजर एंड अराउंड 70 लैक्स वॉर द रीडायरेक्ट परमानेंटली हैंडीकैप्स. अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ लोग मतलब युद्ध में जुड़े हुए थे, उसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग की डेथ हो गई थी. 2 करोड़ जितने पीपल्स इंजर हुए थे और 70 लाख पीपल परमानेंटली क्या हो गए थे, हैंडीकैप्स मतलब अपंग बन गए थे. मोर नंबर ऑफ द पीपल्स डाइड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेविनेशन एंड द अदर फ्रॉम द किलिंग एंड द एपिडेमिक्स एंड द ब्रोकन आउट ऑफ द आफ्टर द वॉर्स. और काफ़ी जो थे वो युद्ध के दौरान रोग चढ़ो भूख मरो और काफ़ी मतलब ऐसी जो प्रोसेस थी जिसमें मतलब ज़्यादातर मतलब लोग मरते गए और उस मतलब उसमें मतलब लोग मरते गए. सेकंड हो गया सोशल चेंज. ड्यूरिंग द वॉर सिंस मेजोरिटी ऑफ द मैन ऑफ द ऑल नेशंस वेयर ऑन द वॉर फ्रंट्स वुमन सोल्जर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड द ऑक्यूपेशंस. ये युद्ध में ज़्यादातर जेंट्स लोग मोर्चे मतलब जेंट्स लोग होने की वजह से
पूरे घर की जवाबदारियाँ किसके ऊपर आ गई, लेडीज़ों के ऊपर, और लेडीज़ों पूरे घर की जवाबदारी उठाने लग गई और अपना काम अच्छे से करने लग गई। दे स्टेप्स आउट ऑफ देयर होम्स एंड सक्सेसफुली टुक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड। लेडीज़ों अपने घर की जवाबदारियों के साथ साथ बाहर भी सक्सेसफुली क्या करने लगी, वर्क करने लगे। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग द इक्वलेंट टू द मैंस इंजन, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और जेंट्स की क्या करने के लगी, बराबरी वो करने लगी। कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर द वुमन एंड एक्सेस दैट द फ्रेंचाइजी फॉर द राइस, और लेडीज़ों का अपना आत्मविश्वास बढ़ जाने की वजह से उनको इक्वलिटी की और सेम राइट्स मिलती रहे, वो डिमांड उनकी बढ़ती गई। During the war, the production of the things basic necessities had reduced. और यही युद्ध के दरमियान जो बेसिक जो नीड्स हैं वो सबका प्रोडक्शन क्या होने लगा, कम होने लगा। इसकी वजह से पूरे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी, मतलब भूखमरा, सेटवेशन, स्ट्राइक, लॉकडाउन, वो सब मतलब कि क्या हो गया, बढ़ने लगा। भूखमरा, बेरोजगारी, हड़तालों, अछत, वो सब क्या हो गया, बढ़ने लग गया। नेक्स्ट द ट्रिटी ऑफ द वेल्सी, मतलब वेल्सी की नीति। एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अनकंडीशनल सरेंडर्स ऑफ द जर्मनी इन द फ्रंट ऑफ द एलियट नेशंस ब्राउट एंड एंड ऑफ द वॉर। प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में जो एलियट नेशन है उन्होंने अपने शरणागति स्वीकार करके युद्ध का क्या कर लिया, अंत ले लिया। देन द एलियट नेशंस अंडरटूक द पीस प्रोसेस इन द पेरिस इन विच सम 58 कमीशंस वेयर फ्रॉम एंड द 145 सेशन वेयर द ऑर्गेनाइज। और उसमें एलियट नेशन ने पेरिस के साथ पीस स्टार्ट करने के लिए, शांति पूरे कंट्री में पीस स्टार्ट करने के लिए 58 जितने कमीशन स्टार्ट किए और 145 जितनी उन्होंने क्या करी, बैठक स्टार्ट करी। देयर वेयर फोर प्रोविजन्स इन द ट्रीटी ऑफ वेल्सी। वेल्सी के ट्रीटी में कितने टोटल, फोर प्रोविजन्स थे। फर्स्ट रीजनल अरेंजमेंट, सेकंड रिडक्शन ऑफ द ट्रूप्स एंड द डिसाइजरमेंट्स, थर्ड अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स एट एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर टाइम, एंड फोर अदर प्रोविजन्स। मतलब कि ये जो संधि थी उसमें चार प्रकार के, मतलब लोग चार प्रकार की जुगवाई थी उसमें। फर्स्ट क्या हो गया, प्रादेशिक व्यवस्था। सेकंड, जो भी आर्मी है उसको कम करना और मतलब कि जितना हो सके इतना निःशस्त्रीकरण, मतलब कि ओके शास्त्रों का, मतलब कि औजारों का यूज़ नहीं करना। थर्ड, युद्ध में जो भी मतलब कि क्रिएट हुई है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, उसका जो मतलब जो चुकौनी करनी पड़ेगी वो इंस्टॉलमेंट में करना पड़ेगा। ने थर्ड, फोर्थ क्या हो गया, अन्य जुगवाई, मतलब अदर प्रोविजंस। द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट्स कैल्विनो एंड द इटालियन प्रेसिडेंट्स ऑर्लैंडो प्ले इन द इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी ट्रिप। दिस मतलब ट्रीटी ट्रिप मतलब ये जो संधि में अमेरिकन प्रमुख वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश वड़ाप्रधान लॉर्ड जॉर्ज एंड फ्रांस के कोलोमेंसोए इसमें मतलब ज़्यादातर अपना क्या करा है, मेन इंपॉर्टेंस रोल दिया हुआ है। जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द गन पॉइंट एंड द फोर्सेबली बिकॉज ऑफ विच देयर वॉज अ बिटरनेस एंड द डिस्प्रिनेशन अमॉन्ग जर्मन्स। कॉन्सिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमिक फेल मिसरेबली। और ये तमाम शर्तों को जर्मनों को बंदूक की गोली पे मतलब जबरदस्ती से उनको क्या करवाया, उनके पास साइन करवाई। और उसके बाद जर्मन प्रजा मतलब जर्मन के जो पीपल थे वो दुखी हुए थे और उन्होंने पूरा जर्मन का जो इकोनॉमिक है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया था। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। There was a feeling of revenge in the signing the treaty which the nations there were a defeat in the war. युद्ध में पराजित होने के पराजित जो देश थे उन्होंने अपने आप अंदर मिला के एक ट्रिटी मतलब एक योजना मतलब कि एक पूरा मतलब संधि मतलब ग्रुप बना लिया था। पीस कुड नॉट बी एस्टेब्लिश विद द ट्रिटी। और ये जो ग्रुप ने जम किया था उन्होंने ये जो ट्रिटी किया था उसमें पूरे देश में अपने क्या हुआ शांति बनाए नहीं पाए। रशिया वॉज नॉट गिव एन द प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन।
रशिया ये लीग ऑफ नेशन में इंक्लूड नहीं हुआ, अमेरिका भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ. डेट्स वाई कैंट बी सेड डेट रीजन्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द पेस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नेक्स्ट हो गया द रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन. द रशियन रेवोल्यूशन 1917 इज कंसिडर्ड एज द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. रशिया की 1917 में जो रेवोल्यूशन थी तो उसमें पूरे रशिया के रेवोल्यूशन 1917 में जो कंसिडर किया था वो एक इम्पोर्टेंस वर्ल्ड हिस्ट्री थी. द रशियन हैड बीन ऑपरेस एंड द सुपीरियर सेट बाय द सीजर ऑफ द रशिया. काफ़ी राजकीय परिबड़ों के वजह से रशियन प्रजा जारशाही के दमन के नीचे मतलब कचराती जा रही है. पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैजर्स वेयर सो क्रूअल एंड द पिटलीज ऑन द पीपल दैट एनी वन डिमांड फॉर एनी राइट्स. वी वॉज ट्रूटेड सप्रेस्ड एंड द सर्वेली पनिश्ड और कॉन्डिमेंट्स टू बी सेंट एंड द बोन चिलिंग एंड द डेड कोल्ड सेवरिया. वो इतने मतलब कि जरा मतलब वो जो राजा थे वो इतने खतरनाक और आपको मतलब जरा सही उनकी नीति थी इतनी कठोर नीति थी कि अगर कोई इंसान अगर अपने अधिकार की डिमांड करता था तो उनके ऊपर बहुत सब जुल्म गुजारने को आते थे और उनको पनिशमेंट में ये दिए देते थे कि साइबेरिया की इतनी जो ठंडी थी इतनी ठंडी जो इंसान को मतलब कि सॉलिड बना दे मतलब एकदम थीजा देवे ऐसी ठंडी में उनको बेच दिया जाता था. द रशियन फार्मर्स लेबर्स एंड द पेजेंट्स वेयर नॉट गेटिंग अनाउच इनकम डिस्पाइट्स वर्किंग वेरी हार्ड डेट बिकम वेरी पुअर. रशिया के जो खेडूत थे जो मजदूर थे उनको उनका काम के मुताबिक उनको पेमेंट ना मिलने की वजह से वो और बेचारे क्या होते गए गरीब होते गए. अंडर द लीडरशिप ऑफ द फादर गैपोन्स द लार्ज रैली वॉज टेकन आउट ऑफ द सीजर्स रेसिडेंस विंटर पैलेस 22 जनवरी 1905 संडे. फादर गोपान के पास वो पूरे मतलब हजार के लोग गए. कब गए थे 22 जनवरी 1905 को. दिस पीपल वेयर अनआर्म्स और उनके पास कोई जाति के शस्त्र औजारों नहीं थे. द सीजर आर्मी ओपन द फायर ऑन दिस इनोसेंट पीपल. ये सीजर आर्मी ने ये इनोसेंट पीपल के ऊपर क्या किया खुलेआम गोलीबार किया. बिकॉज ऑफ विच थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल डेड और उसकी वजह से थाउजेंड ऑफ पीपल क्या हो गए डेड हो गए. एंड द स्नो ऑफ द पीटरबर्ग वेयर द सीजर पैलेस वॉज सिचुएशन टर्न इन द रेड विथ ब्लड. दिस डे इज नो इज द ब्लडी संडे इन हिस्ट्री. और उसी दिन पीटर का जो महल था वो पूरा पीटर का जो आइस महल था मतलब बर्फ़ वाला जो महल था वो पूरा कैसा पूरा बर्फ़ कैसा लाल लोई वाला हो गया. और उसी दिन से इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है. ऑन 18 मार्च 1970 द ऑपरियस वर्कर्स ऑफ पोर्टुगीज कॉल्ड फॉर द स्ट्राइक. 8 मार्च 1917 को पोर्टुगल्स के जो लेबर थे वो उन्होंने क्या करी मतलब कि स्ट्राइक हड़ताल करी. द सीजर सेंड हिज द ट्रूप्स इन द सुप्रेस दिस इवेंट्स. और सीजर ये जो इवेंट्स है उसको क्या करना चाहते थे मतलब छुपा देना दबा देना चाहते थे. बट द आर्मी रिफ्यूज द शूट दिस पीपल. और उस टाइम पे उन्होंने आर्मी को गोलीबार करने के लिए क्या कर दिया मना कर दिया. एज अ रिजल्ट द रेवोल्यूशन बिगेन्स. और उसी दिन से ये रशियन रेवोल्यूशन क्या हो गया स्टार्ट हो गया. दैट्स द 300 ईयर्स ओल्ड सीजर डॉम्स कम एंड द एंड फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया वॉज द विदाउट द सीजर्स. और उसमें सीजर का 300 ईयर जो पुराना जो उनका जो चल रहा था वो क्या हो गया उसका एंड आ गया. और 300 ईयर रशिया वॉज द विदाउट द सीजर मतलब रशिया 300 साल से विदाउट रशिया सीजर के बिना का बन गया. एफर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस मतलब कि विश्व शांति जो बनाए रखने की जो प्रयास थे वो द लीग ऑफ नेशंस. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया लीग ऑफ नेशंस का एस्टेब्लिश स्टार्ट किया.
The horror of the world war explains the absurd anniversaries of the world peace of the nations of the world. And of this need for the international organisms was faced. पूरे देश में मतलब इतनी जो भयानक स्थिति थी उसमें विश्व शांति बनाए रखना जरूरी था और पूरे अंतर्राष्ट्रीय संघ उसमें अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे देश विदेशों में कैसे शांति बनाए रखें वो सोचना उनका मतलब क्या हो गया एक फर्ज बन गई थी. द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वुड्रो विल्सन्स एंड हैड कंट्रीब्यूट द सब्सटेंशली इन द एस्टेब्लिश ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. अमेरिका के राष्ट्रपति वुडो विल्स ने राष्ट्र मतलब कि लीग ऑफ नेशंस में अपना बहुत सब योगदान दिया हुआ था. द 14 पॉइंट सजेस्ट बाई द वुडो विल्सन्स वेयर प्रेजेंस ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस ऑन द 10 जनवरी 1920 लीग नेशंस ऑन द वॉस फ्रॉम. उन्होंने 14 पॉइंट्स को लीग ऑफ नेशंस में कैसे शांति बनी रहे वो आगे करके पेरिस शांति की प्रक्रिया स्टार्ट करते हुए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस क्या हुआ स्टार्ट हुआ. एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस के कौन कौन से एम थे. फर्स्ट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अंतर्राष्ट्रीय मतलब अलग अलग इंटरनेशनल में पीस और सिक्योरिटी बनी रहे. सेकंड एवरी नेशंस टू रिस्पेक्ट एंड यूनिटी इंटीग्रेटेंस ऑफ अदर नेशन. हर एक नेशन को दूसरे नेशंस के साथ एक यूनिटी बनाए रखनी है. थर्ड टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर मतलब जो लड़ाई की जो पॉलिसी है उसको क्या कर देना है छोड़ देना है. फोर टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन जितने हो सके इंटरनेशनल रिलेशंस को क्या करना है डेवलप करना है. फिफ्थ द सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू नेगोरेशंस ऑफ द मेडिनेशंस. जो कोई ऐसा मतलब कि झगड़ा हो या मतलब कोई ऐसा लगे कि जो अपने देश की शांति को देश की शांति उसे छीन रही है तो ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या करना है सॉल्यूशन करना है. सिक्स इफ एनी नेशंस इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशंस ऑफ द मेडिनेशंस इट वुड बी डिक्लेयर एज अ रेबल नेशन. अगर कोई नेशंस लीग ऑफ नेशंस की इग्नोर करता है तो उसको रिबल नेशंस के नाम से मतलब बड़वाखोर नेशंस के नाम से जाहिर करना है. द लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश फॉर द वर्ल्ड पीस. लीग ऑफ नेशन का मेन एम क्या था मतलब पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखना. डिड नॉट मैनेज टू कीप द कंट्रोल ओवर द इम्परियलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द सुपर पावर. लेकिन वो अपना सुपर पावर की मदद से भी पूरे देश को अंकुश में ला नहीं सका. एंड इन 1939 द सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगेन. और उसके बाद 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर की क्या हुई स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग हुई. स्टूडेंट्स लेसन नंबर 2 कंप्लीट. थैंक यू.